नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल टेंपल दर्शन बाई अमन में। आज हम आपको अयोध्या ज़िले में स्थित सूर्य कुंड का दर्शन कराएंगे, जो कि अयोध्या से 5 किलोमीटर की दूरी पर दर्शन नगर में स्थित है। तो चलिए देखते हैं आगे का दृश्य। यह मंदिर जो आप देख रहे हैं, यह भगवान शिव जी का प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण दर्शन सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि दर्शन नगर के प्राचीन राजा थे। भगवान शिव जी के मंदिर के पास में ही भगवान सूर्य का बड़ा ही भव्य मंदिर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं भगवान सूर्य जी का वह मंदिर। भगवान राम के कुल देवता भगवान भास्कर का अयोध्या स्थित पौराणिक सूर्य कुंड इन दिनों पर्यटक के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। इस कुंड पर हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं तथा यहाँ पर पूजा पाठ आदि करते हैं। यूपी सरकार ने हाल ही में 14 करोड़ की लागत से इस कुंड का धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य कुंड वह जगह है जब भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे, तो भगवान सूर्य इसी जगह पर आए थे। इसी जगह से भगवान सूर्य ने भगवान राम की बाल लीलाओं का दर्शन किया था। अयोध्या का प्राचीन सूर्य मंदिर जिस स्थल पर स्थित है, उस स्थान पर प्राचीन काल में घोसार्क नाम का तीर्थ हुआ करता था। इस बात का प्रमाण महान डच इतिहासकार हंस बेकर की पुस्तक द अयोध्या से मिलता है। पुराण की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में घोष नामक राजा थे, जो एक बार भ्रमण करते हुए जब इस स्थान से गुजरे तो उन्होंने वहां सरोवर में ऋषियों को स्नान करते हुए देखा। राजा घोष के भी मन में इस सरोवर में स्नान करने की तीव्र इच्छा हुई, अतः वे इस सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। कहते हैं कि स्नान करते ही राजा घोष का शरीर दिव्य हो गया। तीर्थ की महिमा जानकर राजा घोष ने वहां सूर्य भगवान की आराधना की। राजा की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर सूर्य देव प्रकट हुए थे, वहां उनके तेज से प्रतिमा बन गई। तब राजा घोष ने सूर्य देव की इसी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा।
प्रतिष्ठा करवाया एवं सूर्य कुंड का भी निर्माण करवाया। सब लोग सात बार मस्तक पर जल लगा लीजिए, सात अजरी सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा।